starting the chapter, I want to tell you about present tense. It is the revision video. In previous video, you have learned about the rules of present tense. So in this video, I shall explain you about the uses of present tense and structure of present tense with examples. So let's start with this topic, present. Verbs expressing the present means present tense. Before starting the chapter, I want to tell you about the tense. In simple words, we can say that tenses are three main kinds. जो tenses की main kinds होती हैं वो कितनी होती हैं? Three होती हैं. फर्स्ट होती है प्रेजेंट, सेकंड होती है पास्ट एंड थर्ड होती है फ्यूचर. बाय टुडे वी आर कवरिंग अवर टॉपिक, वी आर कवरिंग अवर टॉपिक ओनली वर्ब्स एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट. सो वी शैल डिस्कस अवर टॉपिक अबाउट प्रेजेंट टेंस. मतलब आज की वीडियो में केवल बेटा हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे और प्रेजेंट टेंस के जो फोर काइंड्स होती हैं उनके लिए हम बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट टेंस है बल
फंक्शन जिसका मेन फंक्शन क्या है इज टू लोकेट अ सिचुएशन, एक सिचुएशन पर वर्क करना, एक स्थिति पर टू लोकेट अ सिचुएशन और इवेंट और किसी घटना पर काम करना इन द प्रेजेंट टाइम। तो कब हुआ है? प्रेजेंट टाइम में हुआ है। द प्रेजेंट टेंस इज द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस। प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है उन एक्शंस के लिए व्हिच आर हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है। मींस एक जो प्रेजेंट टेंस है बेटा उसका यूज उन एक्शंस के लिए किया जाता है, उन कामों के लिए किया जा रहा है, किया जाता है जो अभी घटित हो रहा है। क्लियर बेटा? देखिए द प्रेजेंट टेंस इज यूज, प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है फॉर एक्शंस, उन कामों के लिए, उन एक्शंस के लिए व्हिच आर जो हैपनिंग नाउ, जो अभी घटित हो रहे हैं, जो अभी हो रहे हैं, ठीक है, उन कामों के लिए आप किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस का। फॉर एग्जांपल आई नो बॉब, एग्जांपल के लिए मैं बॉब को जानता हूं। नेक्स्ट बेटा प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेशन, प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेशन एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन। तो जो प्रेजेंट टेंस है वो एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है जो अभी चल रहा है, जो अभी घटित हो रहा है। मैं यहां इसको क्लियर कर देती हूं। Scientific facts
बात करता है, उस एक्शन पे काम करता है जो अभी चल रहा है, जो अभी क्या है रनिंग में है, और ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म, और जिसको हैबिचुअली परफॉर्म किया जाता है। एंड टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल हैपनिंग ऑल द टाइम मींस आर प्रेजेंट टेंस में उन सभी चीजों की बातें की जाती है जो जनरल हैपनिंग मतलब सामान्यतः जो घटित होते रहते हैं। टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स और परमानेंट ट्रुथ्स, और इसमें जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें बेटा साइंटिफिक फैक्ट्स और परमानेंट ट्रुथ्स को भी एक्सप्रेस किया जाता है। साइंटिफिक फैक्ट्स आप जानते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 100 degrees Celsius, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जो हमारा वाटर है वो 100 degrees Celsius पर क्या होता है, बॉयल होता है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 degrees Celsius, ये क्या है हमारा साइंटिफिक ट्रूथ है, मतलब जो वैज्ञानिक सच्चाई है। वो किसमें व्यक्त होती है, किसमें एक्सप्रेस होती है बेटा, सिंपल प्रेजेंट में। और हमारा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो भी हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, जो परमानेंट ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ बेटा फॉर एग्जाम्पल perfect and number 4 present
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपके जो बेटा फोर जो मेन काइंड्स होती हैं प्रेजेंट टेंस की, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट के नेम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट टेंस है उसे सिंपल प्रेजेंट के नेम से भी जाना जाता है। तो इसकी फोर काइंड्स होती हैं, कौन कौन सी होती है बेटा? फर्स्ट होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमारा जो टॉपिक है वर्ब्स एक्सप्रेस इन द प्रेजेंट, इसमें हम अपनी ये फोर काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल एक्सप्लेन यू सिंपल प्रेजेंट। मैं इसको किस में आपको बेटा सिंपल प्रेजेंट में, मीन्स जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेम से भी जानते हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। Present indefinite tense, I have explained you about this. Present tense denotes
इंडेफिनेट टेंस, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच हैपेंस. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है. मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ बेटा. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज्ड टू, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है टू इंडिकेट एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन की तरफ इशारा करते हुए, एक ऐसे एक्शन को बताते हुए व्हिच हैपेंस, जो होता है, एक ऐसा एक्शन जो होता है. कब होता है? ऑलवेज, या तो हमेशा होता है, रेगुलरली लगातार होता रहता है, एवरीडे डेली मीन्स रोजाना, प्रत्येक दिन होता है, जनरली सामान्य तौर से ऐसा होता रहता है, या फिर यूजुअली. तो बेटा जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका जो एक्शन है वो मतलब ये इंडिकेट करता है कि ऐसे एक्शन को जो घटित होता है या तो रेगुलरली लगातार, ऑलवेज हमेशा, जनरली सामान्यतः, यूजुअली सामान्य रूप से, सामान्य तौर से होता ही रहता है, एवरीडे रोजाना. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताते हुए इसके एग्जाम्पल भी देती हूँ. She
केयर्स ऑफ लाइफ। दी मदर goes to the market। देखिए बेटा, एग्जाम्पल से मैं क्लियर करती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसके साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो आई है इसको प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। तो आई यूजुअली वेक अप एट 5 PM। तो यहाँ पर जब इसको प्लूरल कंसीडर किया गया है, जब आई सब्जेक्ट को प्लूरल कंसीडर किया गया है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो यहाँ पर हमने वेक में एस या ई एस का यूज नहीं किया। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। देखिए, यहाँ मैंने बताया प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड है, यू स्पीक द ट्रुथ। यू स्पीक द ट्रुथ। तो बताइए बेटा, जो हमारा सब्जेक्ट है यू, यू हमारा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ये सब्जेक्ट। अब यू के साथ जब प्लूरल सब्जेक्ट है और कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते, हमने ऐड नहीं किया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है स्पीक द ट्रुथ। अब देखिए शी, शी कैसा सब्जेक्ट है बेटा, बताइए। सी कैसा सब्जेक्ट है? शी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हमने जो वर्ब है टेल, उसमें क्या ऐड कर दिया है? एस। यहाँ देखो, बताया था एस या ईएस का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पर एस का यूज किया। और नेक्स्ट है द मदर। मदर भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो मदर के साथ हमने जो वर्ब है उसमें वो जो वर्ब है उसमें हमने ईएस का यूज कर दिया। इस तरीके से बेटा हम ये जो स्ट्रक्चर है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का, इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी क्लियर कर देती हूं। नेगेटिव किया, does not का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म
यहाँ पर देखिए नंबर टू में शी डज नॉट टेक द पेन, शी डज नॉट टेक द पेन, शी के साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमने इसका यूज किया डज नॉट का, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। द फादर सिंगुलर सब्जेक्ट, डज नॉट अ मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। यू प्लूरल सब्जेक्ट, यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर्ब कौन सी यूज की हमने इसके साथ, ये जो हमारी वर्ब है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब जिसे हम बोलते हैं। कौन सी वर्ब है बेटा, डू नॉट और डज नॉट कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम एक्सिलरी वर्ब के नेम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो मेन वर्ब है कौन सी फॉर्म है उसकी, फर्स्ट फॉर्म। और इधर भी बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट है तो किसका यूज किया गया, डू नॉट का। तो यहाँ तक बेटा आपको, जहाँ तक आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे कैसे यूजेस करते हैं। इंटरोगेटिव आप देख लीजिए बेटा, इन इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन नेक्स्ट वीडियो आई